हे गाइस, तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है पोकेमोन एश ग्रे वर्जन में। और यार, पिछली बार हम लोगों ने हरा दिया था कैंटो के नंबर वन जो चैम्पियन था फॉर्मल, उसको हरा दिया था। हम लोग खुद बन गए थे चैम्पियन। और आज हमें अपने अगले पड़ाव पे जाना है, यानी कि हम लोग जाने वाले हैं राइट फोर से लड़ने। आज देखते हैं अपना चैलेंजर पहला कौन आने वाला है। नाउ दैट यू हैव बीन बीटन ऑल द कंपटीशन इन द इंडिगो लीग, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बैटल ईच ऑफ द इलाइट फोर एंड द चैम्पियन। ईच बैटल विल टेक प्लेस इन अ डिफरेंट फील्ड। यू मे चैलेंज विच एवर ऑफ द इलाइट फोर यू विश इन एनी ऑर्डर, बट यू कैन नॉट बैटल द चैम्पियन अंटिल ऑल ऑफ द इलाइट फोर हैव बीन डिफीटेड। तो भाई, ये मैडम यहाँ कह रही हैं कि बिना हम लोग इलाइट फोर को हराए मेन चैम्पियन से नहीं लड़ सकते, जो कि पता नहीं कौन है यहाँ का चैम्पियन असली। तो अपने को उसको भी हराना पड़ेगा आखिरी में, मतलब अभी फिनाले बचा हुआ है अपना, पूरा मेन फिनाले तो ये बचा हुआ है। ओके, तो पहले इलाइट फोर को देखना है, पहले देखते हैं कौन आने वाला है। इफ़ यू लूज यू कैन नॉट री चैलेंज देम, तो अगर हम लोग हार जाते किसी तरीके से इलाइट फोर से, तो हम लोग वापस भी नहीं बैक कर सकते। द मैचेस विल बी फुल 6-on-6 बैटल एंड नो हीलिंग आइटम विल बी अलाउड। हीलिंग आइटम अलाउड नहीं है अंदर, 6-on-6 बैटल होगा। लोरेली इज द आइस एक्सपर्ट, शी कैन बी बैटल ऑन द आइस फील्ड। तो लोरेली शायद अपनी पहली चैलेंजर है जो कि आइस आइस एक्सपर्ट है, और उसके लिए अपने को आइस फील्ड में जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। ब्रूनो इज द फाइटिंग एक्सपर्ट, तो ब्रूनो फाइटिंग का एक्सपर्ट है और उसका रॉक फील्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है। अगाथा इज द घोस्ट एक्सपर्ट, सी कैन बी बैटल ऑन द ग्रास फील्ड। और अगाथा जो है घोस्ट एक्सपर्ट है और वो बैटल करेगी अपने से ग्रास फील्ड पे। और ड्रेक जो है वो है ड्रैगन एक्सपर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ही कैन बी बैटल्ड ऑन द वाटर फील्ड, और वो वाटर फील्ड पर बैटल करेगा अपने से। द चैम्पियन विल बी चैलेंज्ड इन द इंडिगो स्टेडियम, और दो अगर हम लोग इन चारों को हरा देते हैं तो हम लोग जाएंगे इंडिगो स्टेडियम की तरफ, जहाँ पे चैम्पियन अपना इंतजार कर रहा होगा। ओके, तो बिना देर के चलते हैं, अपने पकवान एक मिनट चेक कर लेता हूँ सारे ही लेना। भाई, मैंने पकवान को ट्रेन व्रेन नहीं किया है। ओके, ज़्यादा वो ट्रेन नहीं के देखते हैं क्या होता है। भाई, जीतते हैं हारते हैं, पहला अपना आइस फील्ड है, एक बार यार हील कर लेता हूँ मैं थोड़ा। अरे चैंस ही नहीं, नर्स जो है जल्दी हील करो मेरे पोकेमोन्स को। तो भाई, आज का मुकाबला खाली काफ़ी तगड़ा होने वाला है। पहले लॉरेली से लड़ेंगे, फिर उसके बाद ब्रूनो से। वैसे ब्रूनो से तो हम लोग मिल चुके हैं भाई, उनको पता होगा जब ऑनिक्स वाला था, जायंट ऑनिक्स जो था। ठीक है, तो यही आइस फील्ड है अपना, आइस फील्ड। हाँ, चलते हैं भाई अंदर बिना देर के हुए। एज द नंबर वन रैंकर रैंक ट्रेनर इन कैंटो, यू मे फेस एनी ऑफ द राइट फोर एट एनी टाइम। तो भाई, ये मेरे ऊपर चॉइस है कि मैं किसी से भी बैटल कर सकता हूँ इन चारों में से। ठीक है, कैंटो नंबर वन क्योंकि हम ही हैं, तो मतलब ऐश है यहाँ पे। तो भाई, हम लोग किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं, किसी भी एक, मतलब ब्रूनो से या अगाथा, किसी से भी। तो पहले मैं लॉरेली से करना चाहूँगा, लाइन से बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इफ़ यू लूज टू वन ऑफ देम यू कैन नॉट चैलेंज द अदर्स और द चैम्पियन। तो अगर हम किसी एक से भी हार जाते तो हम बाकी को भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो कोई नहीं, अवेटिंग यू ऑन द आइस फील्ड इज द लाइट फॉर लॉरेली, सी इज ए कूल फिलोसोफर विद टू मेजर एसेट्स 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 एसेट्स। ठीक है, हाँ, हर डिमेनर एंड हर आइस टाइप पोकेमोन। उसकी दो खासियतें हैं, चलो, उसके डिमेनर और उसके आइस टाइप पोकेमोन्स। तो वुड यू लाइक टू चैलेंज लॉरेली और द लाइट फॉर? यस, यू मे प्रोसीड इन टू द बैटल फील्ड टू द फेस योर चैलेंजर, गुड लक। तो देखते हैं भाई, यहाँ तो भाई बर्फ ही बर्फ पड़ रही है। लोरेली, ये देखो भाई, चश्मा लगा के लग रहा खड़ी है यहाँ पे। अनाउंसर कह रहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस पोकेमोन इलाइट फोर मैच इज ऑल सेट टू बिगिन। इन द रेड कॉर्नर इज द इलाइट फोर लोरेली, इन द ग्रीन कॉर्नर इज द विनर ऑफ द इंडिगो लीग टूर्नामेंट एंड करंट नंबर वन रैंक ट्रेनर इन कैंटो, सोमी। तो भाई, अभी हम लोग नंबर वन है कैंटो में, मतलब हम लोग हार गए थे तभी हम लोग नंबर वन तो रहेंगे कैंटो में भाई, इतना तो है भाई। ठीक है, लेट दिस इलाइट फोर बैटल बिगिन, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। लॉरेली कुछ कह रही है, ओह सो यू विश्ड टू चैलेंज मी डियर। हाँ, हम यही तो करने आए चैलेंज। आई वॉर्न यू, आई मे सीम जेंटल ऑन द सरफेस बट इन बैटल ऑल माई सेंसिबिलिटीज आर फ्रोजन ओवर एंड आई बिकम पावरफुल एंड कोल्ड। तो भाई, ये साफ साफ कहना चाहती है कि मेरे सामने कोई भी दया नहीं करेगी ये फाइट के टाइम पे। तो कोई नहीं, हो जाए 1-on-1, देखते हैं किसमें कितना है दम। भाई, लोरेली को देखो भाई, एकदम अलग ही दिख रही है इसमें। ओ, पहला ड्यूगोंग है,
यूज करते हैं अपना हम लोग यहाँ पे थंडरबोल्ट यूज करते हैं भाई। थंडरबोल्ट इस पर काम करना चाहिए मेरे ख्याल से, देखते हैं कितना काम करता है थंडरबोल्ट। ओहो, अरे यार मैं मेन टाइम पे बच गया, मुझे लगा पूरा आउट हो जाएगा वो। सर सर ओह नो यार, उसका लेवल 80 का है भाई, अपने तो बच पाएंगे कि नहीं देखते हैं। बच गए, एक और थंडरबोल्ट से काम बन जाए मेरे ख्याल से। चल भाई अच्छा हुआ, चलो ये पेंट हो जाएगा, पेंट हो जाएगी। ड्यूगोंग फीमेल है ये, तो भाई ये तो गई। मैंने थोड़ा स्लो खेल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि भाई खतरनाक मैच चल रहा है भाई, इसमें हम लोग फास्ट नहीं खेलना चाहते। मैं इसमें मैं आराम से खेलूँगा ताकि पूरा मजा ले सकूँ भाई, हमेशा फास्ट नहीं खेलना चाहिए भाई। इलाइट फोर एकदम खतरनाक मैच चल रहा भाई, लेवल 82 के भाई। मेरे पोकेमॉन को ट्रेन करना चाहिए था मुझे यार, मैंने गलती की है, ट्रेन नहीं किया मैंने पोकेमॉन्स को। लेकिन तब भी भाई पिकाचू ने तो भाई दो को आराम से खल्लास कर दिया यहाँ पे। अगला स्लो ब्रो, इसको भी पिकाचू हरा देगा भाई, स्लो ब्रो के खिलाफ अपना इफेक्टिव है पिकाचू। बस थंडरबोल्ट काम कर जाए भाई, जब तक काम कर सकते हम लोग हरा सकते हैं मतलब स्लो ब्रो को। ये भी फीमेल है भाई, इसके पास फीमेल पोकेमॉन से क्या फीमेल के पास। अरे यार बच गया मेन मोमेंट पे, ओ नो साइकी को। अरे यार लग रहा है गए अपने, गए गए। अरे यार सच में चले गए, पेंट हो गए। क्या यूज करूँ यहाँ पे यार, वाटर टाइप तो काम नहीं आने वाला, टेरोस के बेंजू कहने। अभी यार अभी पहले मैक को भेजता हूँ मैं, पहले थोड़ा सा ना हम लोग अभी यही सब यूज करते हैं, अभी उसको आखिर में यूज करेंगे हम लोग टॉरस को। तो थोड़ा सा इसको भाई, जिसको भी लग रहा भाई स्लो खेल रहा हूँ भाई, सॉरी यार मैं इस मैच का मज़ा नहीं ख़राब होना देना चाहता, मैं फर्स्ट टाइम ही खेल रहा हूँ तो मुझे पूरा मज़ा उठाना है भाई इस गेम का, ठीक है। इसलिए मैं तुम लोग यार स्पीड फास्ट कर लेना नॉर्मल में, मतलब नीचे जा करके, ठीक है। ओ काम माइन बच गए, इससे तो असर नहीं होगा अपने को कोई। अभी सारे पोकेमॉन लेवल 80 के भाई, आगे वाले चैलेंजर कितने खतरनाक होंगे मैं तो यही सोच रहा हूँ भाई, ये इतनी खतरनाक है भाई, ये लेवल 80 का पहला ही चैलेंजर। ओ यार बॉडी स्लैम साथ काम करे, लवली किस नहीं, बच गए बच गए। अटैक मिस, कुछ यार असर तो कर मक भाई, इसका मुख काम कर रहा है, काम कर रहा है। एक और लवली किस, ओ नो फिर किस कर दिया उसने अपने को भाई, ये किस से सुला देती है अपने को। ये तो भाई वो चाइनी चौक पे चाइना वाला जैसे वो लग रहा है। अरे भाई भाई छोड़ दे मेरे को यार, ये तो मेरे से हील करेगी अपने को भाई। अभी अभी भाई भाई रुक जा, अरे यार इसने सच में हरा दिया अपने को और खुद को हील कर लिया पूरा फुल। ये एबिलिटी बड़ी खतरनाक है भाई, ये एबिलिटी के बारे में मैंने पहले नहीं सुना। बल्बासोर का यूज करूँ कि यार किंगलर का यूज करता भाई, स्टॉम्प यहाँ पे काम करेगा इस पर, मतलब कि थोड़ा इन लोगों पर फाइटिंग टाइप मूव काम करता है, ठीक है। तो ये हम लोग हाइपर भी यूज कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन स्टॉम्प यूज करूँगा मैं फिलहाल यहाँ पे। आइस बीम, ओ नो अपने पे काम करेगा क्या आइस बीम, लेट्स चेक इट आउट, देखते हैं क्या होता है। स्टॉम्प यार काम कर, हाँ भाई स्टॉम्प से उसको फेंट कर जल्दी से, वो काम नहीं करा जाता। आइस बीम फिर से वो यूज कर रही है, वो शीट है अपने पास टॉरस लग रहा है आखिरी रास्ता है, पहले उसी को यूज करता हूँ मैं टॉरस को ही। टॉरस मूव मेरे ख्याल से काम करेगा यहाँ पे, ओके तो लेट्स यूज टॉरस। टॉरस भाई वो डर गई है थोड़ी सी टॉरस को देखते ही। टॉरस को हम लोग यहाँ पे ट्रैश यूज करेंगे, ये खतरनाक मूव है इसके खिलाफ। तो भाई भाई तीन बार यूज किया उसने ट्रिपल एकदम से भाई, तीन बार एकदम सर लड़ा देता भाई, सींग घुसा देता उसके अंदर। टॉरस यार अपना किंगलर है भाई, किंगलर के खिलाफ तो इतना इफेक्टिव रहेगा, ये पिकाची भी एक्टिव रहता है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। बल्बासोर को भेजते हैं थोड़ी देर के लिए, हो सकता है बल्बासोर को कुछ यहाँ पे मूव काम करेगा क्योंकि वो वाटर टाइप है, तो अपना किंगलर भी थोड़ा काम करेगा भाई। ओके तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अपना सोलर बीम यूज करेंगे, नहीं पॉइजन पाउडर नहीं, सीड बॉम्ब भी यूज करके देखते हैं। आइस बीम यार आते उसने यूज कर दिया आइस बीम, ओहो बचा जा बचा रहे बच ला बच्चा भाई बच्चा। सीड बॉम्ब, अरे यार फ्रोजन सॉलिड हो गया ये तो। बल्बासोर यार यूज क्यों नहीं करता तो कुछ, टेक डाउन सोलर बीम कुछ भी यूज कर ले यार। ओ नो फेंट कर दिया इसने तो अपने इसको भी। ओ शिट यार कोई नहीं कोई नहीं यार कोई नहीं, डोंट वरी बुलाते अपने यार, अपने को लग रहा है टॉरस का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी टॉरस तो पूरे तरीके से ठीक है, टॉरस का ट्रैश यहाँ पे काम करेगा मेरे ख्याल से। एक बात तो ये यार कि टॉरस जो है ना थोड़ा हाई लेवल का, मतलब इसको मैंने ट्रेन किया लेवल 76 तक इसको रखा हुआ है, तो इसलिए इसके मूव थोड़े काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी शॉर्ट डांस बच गए भाई, वो डांस कर रहा था अपने को हाइपर बीम नहीं दिया उसने, तो पता नहीं क्या होता भाई। उसके कितने पकवान बचे हुए होंगे अभी, मैंने तो याद भी नहीं, मेरे ख्याल से मेरे 4-5 पकवान तो उसके हरा ही दिए, ये शायद फोर्थ था उसका। चलो भाई टॉरस भी ट्रेन हो रहा है, काफ़ी अच्छी बात है ये।
अगला है लैप्रस। लैप्रस के खिलाफ इफेक्टिव रहता है अपना पिकाचू, लेकिन यार क्या करूँ, लेकिन लास्ट पोकेमोन उसके पास है यार यही, तो अपना ट्रैश यूज करते हैं भाई। वो अपने आप यूज कर लिया भाई, मैंने नहीं यूज किया इस बार भाई, आया ही नहीं, तुमने सामने देखा होगा ऑप्शन ही नहीं आया ट्रैश का भाई। ये टॉरस बड़ा अच्छा काम करता है भाई। ओ नो, कंफ्यूज मत कर यार मेरे को, कंफ्यूज मत कर मेरे पोकेमोन को। ओ शिट यार, टॉरस कंफ्यूज हो चुका है फिलहाल, तो वो खुद को हील कर लेगी, मैं जानता हूँ यही करेंगे इन लोग। हेल्थ रिस्टोर कर रही है, टॉरस यूज कर, टॉरस कंफ्यूज नहीं, टॉरस तू अपने आप में उम्मीद है, टॉरस बहुत सही, टॉरस खत्म कर दे लैप्रस को भाई। टॉरस भाई अपना साथी पक्का यार, हम लोगों ने हरा दिया इसी तरीके से भाई। वाह यार, बड़े स्लो मैच था लेकिन मैंने हरा तो दिया लोरेली को यार, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने हराया। पिकाचू ने भी साथ दिया और टॉरस ने भी, दोनों ने। आंसर कर रहा सोमी हैज डिफीटेड लोरेली ऑफ द एलाइट फोर एंड कैन, कांग्रेचुलेशन सोमी। तो भाई अपना ऐश यानी हम लोग ने ऐश का एक और पड़ाव पार करवा दिया है भाई, ये क्या बात ही, अपना टॉरस और पिकाचू के बल पे हम लोगों ने जीत लिया पूरा मैच। बाकी लोगों ने भी साथ दिया, जैसे कि अपने किंगलर ने भी साथ दिया भाई। ठीक है तो भाई आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं भाई। लॉरेली को हम लोगों ने जिता दिया, मतलब सॉरी, मतलब ऐश को हम लोगों ने जिता दिया, लॉरेली को हरा दिया इस बार पहली बार में भाई। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम लोग अगले फाइट करेंगे ब्रूनो से, जो कि यहाँ पे रॉक फील्ड का है, तो ब्रूनो से लड़ेंगे लाइन बाई लाइन, हम लोग जाएंगे आगे बढ़ते हुए। ठीक है तो जिसने भी लाइक नहीं किया पहले लाइक करो यार, उन लोगों के लिए मैं इतना बड़ा बड़ा गेम ला रहा हूँ, जल्दी से लाइक करो यार, लाइक करो तभी इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी आएगा। अपना टारगेट तुमको पता ही है 100 लाइक्स का है, लेकिन तुम लोग हमेशा रिकॉर्ड तोड़ देते हो मेरा। ठीक है तो गेम को कर लेते हैं यहाँ पे सेव यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगी यार। मैं पोकेमॉन के साथ ट्रेन करने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ ट्रेन कितने हो पाते हैं। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, गुड नाइट।